तूने कभी सुना है कि माही MS धोनी ने मतलब झगड़ा किया हो और विराट कोहली भाई मतलब क्यों बंदे की उंगली कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं तेरे को बैट से मारूंगा, तेरे को बॉल से मारूंगा, लिटरली यही हुआ ये फाइट में, पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। देख क्या रहा, चालू करना, तू करना क्या करना करना दिखता नहीं क्या, ठेका लगा रखा तो क्या मैंने भाई भजनी मेरा ठोक दूंगा तेरे को, समझा? फैंस देख रहे, पहले बोल रहा हूँ हमारी पब्लिक देख रही है भाई, ये होता है IPL में, मतलब ये चीज होती है IPL में, बंदे बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग ऐसे आते हैं इतने भाईचारा बना रखते, ये साले इंडियंस लोग ही झगड़ते रहते हैं IPL में। सो हाय गाइस, दिस इज जस, दिस इज देवल, एंड वी आर नॉट फाइटिंग, एंड वी आर डेफिनेटली नॉट फाइटिंग, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन पॉडकास्ट वेयर वी विल बी स्पीकिंग अबाउट IPL एंड देयर बिगेस्ट फाइट्स ऑफ ऑल टाइम। बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज गाइस ये वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बिकॉज आगे हम लोग ऐसे वीडियोस लेके आएंगे, नहीं तो ये मार देगा भाई तुमको, फिर मेरी गलती नहीं है। तो पहली फाइट पे आते हैं, पहली फाइट ना मुझे वही याद आती है हमेशा, विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर। कौन सी वाली? हाँ वही 2013 वाली, KKR वर्सेस वो RCB वाली। स्टार्ट कैसे हुई थी फाइट, वो सबको पता, आइकॉनिक जेस्टर, बट हुआ क्या था? दो दिल्ली के लॉन्डे मतलब आमने सामने, और विराट कोहली भाई मतलब क्यों बंदे की उंगली कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मेरे को याद है KKR का कुछ टारगेट था 155 और KL ने मारे 85 मारे थे और कोहली ने 35 रन मारे थे, एंड वो बोलते ना जले पे नमक डालने वाली काम किया लक्ष्मीपति बालाजी ने मतलब आउट हुए और ऑलरेडी एक तो हार रहा है वहां पे टीम, वहां पे वो स्लेच कर रहा है, ऑफ कोर्स कोहली गर्म होने ही वाला है, गंभीर बिंग गंभीर उसको मतलब मौका चाहिए, मतलब भाई वो फोकट में तुमको पता है वो जो प्लेयर साइड कर रहा, दोनों को पता है प्लेयर कौन है, रजत भाटिया, मेरे को लगा उसी को ही ना पड़ जाए। गंभीर और दोनों के बीच में कहाँ वो आ रहा था, कहाँ मतलब बीच में आ रहा है। तो भाई सेकंड फाइट है द ओजी ऑफ फाइट, मतलब क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं कि वो बैट और बॉल का गेम है, किसी ने अगर उस चीज को सीरियसली लिया तो वो पोलार्ड और स्टार्क ने, बोलते ना कि मैं तो बैट से मारूंगा तो को बॉल से मारूंगा, लिटरली यही हुआ ये फाइट में, पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। मुंबई इंडियंस बैटिंग कर रही थी, पोलार्ड और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, मिचेल स्टार्क ने मतलब बाउंसर डाला और पोलार्ड अटक किया, उसने वहीं पे मतलब चालू कर दिया कि भाई क्या हुआ नहीं खेल पाया, पोलार्ड विल बी लाइक चल निकल 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 निकल, अगले बॉल पे स्टार्क आया और पोलार्ड हट गया। और ये चीज तो मुझे भी बहुत गुस्सा आती है कि वहां से बॉलर ऐसे भागते भागते आ रहा है, बॉल डाल रहा है, बैट्समैन हट जाता है। मना भी किया पोलार्ड ने, हाँ वो एंड टाइम में गया ना वो। पोलार्ड ने भी तो बैट फेंक के मारा भाई, बैट लग जाता ना स्टार्क को, जस्ट इमेजिन, ओ माय गॉड। और भाई भाई तेवर देखो स्टार्क के, स्टार्क के तेवर देखे फिर भी सामने आ रहा है ऐसे बात करते करते। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट यार हम लोग अभी जितने भी बात की बराबर, वो तो दो अपोजिट टीम के बीच में थी फाइट, कभी सुना तो ना टीम के अंदर ही अंदर झगड़े होते हैं, होते रहेंगे। ऐसा हुआ था 2016 के IPL के मैच में, मुंबई इंडियंस के बज्जी बॉलिंग कर रहे थे तो बॉल गया बाउंड्री पे, और ऑफ कोर्स वो मैच थोड़ा मतलब टाइट था, सिचुएशन टाइट था और दोनों चाहते थे कि मैच जीते मुंबई इंडियंस, तो बॉल गया बाउंड्री पे और राइड उसे मतलब छूट गई, थोड़ा बॉल छूट गया, अच्छे से फील्डिंग नहीं हुई और बज्जी बिंग बज्जी वो गुस्सा हो गए, उसने मतलब उसके बोला क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, और उसको भी लगा भाई फील्डिंग कर रहा हूँ ना मैंने, मेरी पूरी कोशिश की, वो आ गए झगड़ा करने, दोनों के बीच चालू हो गए गर्मा गर्मी, फिर ऑफ कोर्स प्लेयर्स आए बीच में। भाई ये सबको पता है, बट इसके बाद की स्टोरी पता है, ये मेरे को पता है, ये एक इंटरव्यू देखा था मैंने भज्जी और रायडू का, इतने प्यार से वो लोग लिटरली ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, भाई मैं भज्जी पा आपको आज तक उस चीज़ के लिए सॉरी बोलूंगा कि मेरी गलती थी और मैंने उस बात पर आपको सुनाया था, और भज्जी भी भाई ये तो गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, असल में चाहे कितनी भी लड़ाई वो पिच में होती है, पिच के बाहर तो हम भाई है ना, इट इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट फाइट, भले उस टाइम में गर्मा गर्मी दिखती हो, आप इंटरव्यू देखो यार मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट इज शाहरुख खान का वानखेड़े में लफड़ा, भाई यार ये क्या करना है यार, ये कब आ रहा है, इसका हो गया ना 5 साल, कब का हो चुका है, तो आना फिर आ जावे ना, कम भी कर दिया पता नहीं अभी उसको दिल पे लग गई है वो बात, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। शाहरुख खान वॉज ड्रंक, सो मतलब जो पी के मतलब किसी की हालत सही नहीं रहती है, सो ऑफिशियल जो वहाँ पे ग्राउंड ऑफिशियल से उनके साथ उन्होंने थोड़ा मतलब अच्छे से बिहेव नहीं किया, थोड़ा मिसबिहेव किया, अब्यूज किया, अच्छा सो वही मतलब दैट इज द रीजन को उनको बैन कर दिया था। लफड़े की अगर हम लोग बात करें तो ये हम कोहली की बात करते हैं, गंभीर की बात करते हैं जो इसके दिमाग बहुत गर्म रहते हैं हरभजन की बात की, बट अगर मैं बोलूँ तूने कभी सुना है कि माही MS धोनी ने मतलब झगड़ा किया हो, भाई वो करता है झगड़ा, यस क्या किया उसने, वन ऑफ द रेयर मोमेंट ऑफ IPL अगर हम बोल सकते तो, क्यों क्या हुआ? सो राजस्थान के सामने मैच था, मैच मतलब बहुत ही एंड टाइम पे था, 8 रन चाहिए थे कुछ 3 बॉल में, सैंडर और जडेजा बैटिंग पे थे, सो बेन स्टोक्स ने बॉल डाला कमर के ऊपर और थर्ड अंपायर ने नो बॉल दिया, बट ऑन ग्राउंड अंपायर ने नो बॉल दिया नहीं, ओके
एंड दैट इज द रीजन, दैट इज वाई मतलब माही भाई इतना गुस्सा हो गए कि ग्राउंड पे आ गए अंपायर से बात करने के लिए. अच्छा, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वार्निंग फॉर माही के भाई दिस इज नॉट अलाउड. मुझे अब बात करनी है सबसे गर्म दिमाग की, ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तू भी अग्री करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट आवेश खान. बता क्यों 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 भाई, जो बोलते हैं ना कि भाई किया भी या कुछ नहीं लेकिन क्रेडिट लेने आ जाओ ऐसे, वो आवेश खान थे लास्ट ईयर और उसी वो ही वॉज द स्टार्टेड द स्टिंगारी. अच्छा भाई, बट तू फाइट किसकी बात कर रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर जो कोहली का फाइट हुआ था विद नवीर उलहक एंड गौतम गंभीर. कोहली का वो कायल मेयर से कुछ बात कर रहा था तो गंभीर ने मेयर्स को वापस ले लिया. अब फिर मतलब नवीन उलहक ने मतलब जब झगड़ा स्टार्ट किया उससे कोहली से, फिर वहां पे गंभीर बीच में आया बात करने के लिए. वो कुछ तो लाइन बोली थी, तुझे याद हो तो. मेरे को याद है, मैं तेरे को बताता हूँ क्या लाइन बोली थी उसने. इफ यू कैन गिव इट यू गॉट टू टेक इट, अदरवाइज डोंट गिव इट. इफ यू कैन गिव इट यू गॉट टू टेक इट. अरे ये आईपीएल की वन ऑफ द यू नो मेमोरेबल फाइट्स फॉर अस. बट यार ये एपिसोड में आप बताओ कि आपकी सबसे मेमोरेबल या आपको ऐसी कौन सी फाइट है जो आपने टीवी या फोन पे कभी देखी और आपको याद है कि भाई ये क्या हो गया. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर अब तक अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज़ कर दो, आईपीएल का सीजन है. सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड डू फॉलो गेम ऑन फॉर स्टोरीज एंड एपिसोड्स लाइक दिस. और तू हद में रहना, समझा? सॉरी.